नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड कारपेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइटर मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले ही यानी कि कल ही ऋतिक रोशन के बर्थडे पर 10 जनवरी को फाइटर मूवी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई और इस फाइटर मूवी को सिद्धार्थ आनंद द्वारा डायरेक्ट किया जाएगा और ये फाइटर मूवी को एक स्पाई थ्रिलर कहा जाता है और ऋतिक रोशन की सिद्धार्थ आनंद के साथ एक तीसरी फिल्म रहने वाली है। इससे पहले इन दोनों ने बैंग बैंग और वॉर मूवी में काम किया था। साथ में इस मूवी सिद्धार्थ आनंद की प्रोड्यूसर कंपनी मार्फ्लिक्स के द्वारा एक पहले फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। वहीं सिद्धार्थ आनंद मार्फ्लिक्स प्रोड्यूसर को बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन बनाना चाहते हैं और अब वही ये मूवी से शुरुआत कर रहे हैं। वहीं फाइटर मूवी की स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें हमें ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण देखने को मिलेंगे। वहीं दीपिका पादुकोण की सिद्धार्थ आनंद के साथ ये दूसरी फिल्म रहेगी। इससे पहले उन्होंने रोमी ए हसीनो के साथ काम किया था। वहीं ये फाइटर मूवी 30 सितंबर 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। वहीं दीपिका पादुकोण की बात की जाए तो वो फिलहाल दो मूवी की शूटिंग में व्यस्त है। एक कबीर खान के द्वारा डायरेक्ट की गई 83 वर्ल्ड कप मूवी जिसमें वो उनके हस्बैंड रणवीर सिंह के साथ देखने को मिलेगी। दूसरी है शाहरुख खान सर के साथ पठान मूवी। वहीं इस पठान मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो वो ही सिद्धार्थ आनंद ही है। वहीं दीपिका पादुकोण ने प्रभास सर के साथ एक महाकाव्य गाथा भी साइन की है और इसके अलावा शकुन बत्रा के साथ उनकी और एक फिल्म आने वाली पर जिसका टाइटल अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। वहीं ऋतिक रोशन की बात की जाए तो वो क्रिश 4 मूवी में हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वो पठान मूवी में भी देखने को मिलेगा जिसमें उनका कैमियो रहने वाला है और इस मूवी में वो वॉर मूवी में जो किरदार निभाया था कबीर लूथरा का वही किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं क्रिश 4 मूवी की बात की जाए तो वो एक सुपर हीरो वाली फिल्म बनने जा रही है। साथ में इस क्रिश फ्रेंचाइजी का चौथा पार्ट रहने वाला है और इस मूवी को राकेश रोशन द्वारा डायरेक्ट किया जाएगा और इस मूवी में हमें ऋतिक रोशन डबल रोल निभाते हुए नजर आने वाले हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। साथ में इनके साथ दो एक्ट्रेस रहने वाली है, एक कंगना रनौत और दूसरी कृति सनन, और कृति सनन पहली बार इस मूवी से सुपर गर्ल का किरदार निभाने जा रही है। वहीं ऋतिक रोशन की क्रिश 4 मूवी को 90 करोड़ के बजट पर बनाया जाएगा और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से ऊपर की कमाई कर सकते ऐसा अंदाजा लगाया गया है। वहीं उनकी दूसरी फिल्म फाइटर को 90 करोड़ के बजट पर बनाया गया है और वो भी 200 करोड़ से ऊपर की कमाई कर सकते ऐसा अंदाजा लगाया गया है। तो दोस्तों अब ऋतिक रोशन की फाइटर और क्रिश 4 ये दोनों मूवी में से कौन सी ज्यादा देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को अपना अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे।